चले बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए कांग्रेस ने लोकसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है और प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क समिति का गठन किया गया है। 11 लोकसभा सीटों पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो नाराज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 1-to-1 रायपुर में सत्यनारायण वर्मा, बस्तर में राजेंद्र तिवारी और कांकेर में अनिला भेड़िया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सरगुजा में प्रेमसाई टेकाम और आदितेश्वर सिंहदेव को जिम्मेदारी मिली है। तो रूठों को मनाने की जो कवायद है वो की जा रही है और यहां पर लोकसभा वार जो नेता है उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने लोकसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची हुई है, अब उसे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए कवायद की जा रही है। कांग्रेस से जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी गई है और इसके लिए कांग्रेस ने लोकसभा वार जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क समिति का गठन किया गया है। 11 लोकसभा सीटों पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो नाराज कार्यकर्ता नाराज पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। 1-to-1 ये मुलाकात होगी और जो रूठे हुए हैं जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। रायपुर में सत्यनारायण वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, बस्तर में राजेंद्र तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है, कांकेर में अनिला भेड़िया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सरगुजा में प्रेमसाई टेकाम और आदितेश्वर सिंहदेव को जिम्मेदारी मिली। यानी कि लोकसभा वार जो जिम्मेदारियां हैं नेताओं को वो सौंपी गई है। 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी, इनका काम यही होगा कि जो भी नाराज कार्यकर्ता है, रूठे कार्यकर्ता है, रूठे पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा की जाए, उनकी परेशानियों को जाना जाए, क्या कुछ उनकी समस्या है उसको समझा जाए और उन्हें मनाया जाए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर शुरू कर दी है। राजेश निषाद लगातार बने हुए हमारे साथ। राजेश, जिस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब कांग्रेस ने एक तरह से डैमेज कंट्रोल की ये रणनीति तैयार की है और इसके जरिए 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 1-to-1 चर्चा होगी यहां पर नाराज कार्यकर्ताओं से, नाराज पदाधिकारियों से। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसे लेकर के प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है, जिसपे अलग अलग जो उस क्षेत्र के जो दिग्गज नेता हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी रायपुर की हम बात करें या रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सरगुजा, जहां ज्यादातर कहीं ना कहीं विवाद की जो स्थिति है, वो खींचतान की जो स्थिति जो बनी हुई है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रेम जो अलग अलग समिति बनाई गई है, जिसमें प्रेम साय सिंह और आदित्येश्वर शरण सिंह देव, उनका नाम कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उमेश पटेल। इसी तरह जो 11 जो सीटें हैं, सभी सीटों पे अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सीधे तौर पे जो कांग्रेस की जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो नाराज हैं उनसे संवाद करेंगे और जो नाराजगी है उसे दूर करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की ओर से की जाएगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि पार्टी में किसी तरह का नुकसान हो, लोकसभा चुनाव में नुकसान हो। यही वजह है कि पार्टी ने एक तो दिग्गजों को चुनावी मैदान पर उतारा है और जिनकी साख भी इस वक्त कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है। तो पूरी कोशिश जो है कांग्रेस यही कर रही है कि किसी तरह की विवाद की स्थिति ना हो और पूरी की पूरी जो सीटें हैं प्रदेश की 11 सीटें वो कांग्रेस अपने पाले में ला सके। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।